हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, तो मेरे प्यारे संजीव सर चैनल को जो है सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, रचना और एग्जाम्पल द्वारा जो है एक वाक्य के छः छः जो है पिछले वीडियो में भी हमने जो पीछे जो वीडियो बनाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक वाक्य से छः जो है बना सकते हैं, रचना भी आसानी से समझा जा सकता है दोस्तों। तो आज जो है मैं पहचान, रचना और उसके और जो है बहुत सारे उदाहरण को जो है मैं इस वीडियो में जो है पेश करूंगा दोस्तों। और जो है मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि जैसे ये कुछ और भी जानकारी कैसे पहचान होगा, तो कुछ नया भी जानेंगे दोस्तों। आइए वीडियो को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो है मैं जो है वह सो गई है, तो एक दो उदाहरण से समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर वह सो गई है अर्थात जो है प्रेजेंट जो है परफेक्ट के जो है हम जो है रचनाओं को भी बताएंगे दोस्तों। तो परफेक्ट में जो है टेंस बनाते समय हमने आपको जो है कुछ जो है उदाहरणों को भी दिखाएंगे, जैसे देख रहे हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसमें हम बताए थे कि बहुत सारी चीजों को बताएंगे। तो पहले ये देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का जो है हमारी जो रचनाएं है वो कैसे होती है, उससे पहले कि टेंस को कैसे जाने इसके पहचान चाहिए, तो पहचानने का तरीका है, पहचान भी लिख दे रहे हैं, तो यानी इसको आइडेंटिटी कहा जाता है दोस्तों। तो पहचानने के लिए हम जो है वाक्य में देखते हैं चुका है, चुकी है, ऐसे तो बहुत लोग जानते हैं, और कुछ जो है इसमें जो है जानकारी देखेंगे चुके हैं, ई है, तो इसमें जो है ई भी आता है, और जो है ये है आ है, तो ये सब और वगैरह आता है, ये से नहीं काम बीता हुआ रहता है दोस्तों। और इसका जो है हम जो है आइडेंटिटी तो हो गया, रचना जो है स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, तो स्ट्रक्चर अभी जो है लिख दे रहे हैं रचना जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। इसके बाद जो है इसमें जो है एजेंट या सब्जेक्ट हैज हैव के बाद जो है हम जो है नट लगा सकते हैं या एजेंट हैवंट भी होता है। वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को जो है हम जो है आगे भी रख देंगे, तो ये हमारा जो है क्यों वाला क्या वाला हो जाएगा दोस्तों। नट लगाना है तो हैवंट है, एजेंट भी लगा सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद जो है हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है चौथा भी जो है हमारा जो हैज या और हैज हैव के बाद जो है नाट हटा देंगे तो विदाउट नाट वाला इंट्रोगेटिव क्या वाला हो जाएगा। तो फिर जो है हमारा ये क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन का रचना हो जाता है दोस्तों। और जो हमारा जो आगे का चीज है ये वाला पांचवा है क्वेश्चन वर्ड क्यों कैसे कब वाला है, उसके बाद सारा तीसरा जो है रचना उतार देते हैं। छवा नंबर में देखेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन वर्ड और जो हमारा जो है आगे की रचना है वो चौथा है, यानी चौथा वाला ये है, ये वाला चौथा है, यानी चौथा में नाट नहीं रहेगा दोस्तों। इस प्रकार रचना हम कंटिन्यूअस में भी बताए थे। तो ये जो चीजें हैं रचना और स्ट्रक्चर समझ लिए,
तो आप जो है इस चीज को समझेंगे दोस्तों कि ये वाला जो चीज है कैसे बनाते हैं। तो हम जो है अब आएंगे दोस्तों यहाँ पे और वाक्य लेंगे। हम लेंगे वाक्य जो है बहुत सारा ले लिए हैं। चलिए हम वाक्य लेते हैं, जैसे आई वह सो गई है, वह सो गई है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमारा उदाहरण जो है दो दो उदाहरण है, वह सो गई है, सूरज निकल गया है। ये वाला चीज जो है हम बाद में बताएंगे, पहले शुरुआत से समझते हैं दोस्तों। तो शुरू वाला हमारा जो चीज है उसको समझेंगे, उसके बाद जो है दोस्तों हम लेंगे अपनी उदाहरण। तो उदाहरण में हमने जैसे मान लीजिए ये वाला लिए है, वह सो गई है। तो सो गई है तो इसमें ये लगता है कि इसमें दो चीजों का मेल मिलाप है। वो क्या, एक तो चीज वह सो गई है, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वह अभी अभी जगी थी। इसमें दो प्रकार के टेंस में, एक प्रकार से तो प्रेजेंट और पास्ट का जो है मिक्सचर है, मिश्रण है दोस्तों। एक प्रकार से क्या है, प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। इसमें ऐसे कार्य का जो है नॉलेज है जो पास्ट में जो है हुआ है, यानी कि सो गई है, नहीं कहते हैं वो सो गई है, सो गई है यानी कि अभी जगी हुई थी। तो ऐसे लगता है कि हाल ही में जो है करीब करीब अभी अभी कुछ देर पहले, कुछ समय पहले, यानी इतना समय पहले, इतना दिन पहले, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन जो है ऐसा मालूम होता है। जैसे मान लीजिए कि इसी तरह के जो है तो लगता है तो हमको, लेकिन कुछ जो है कुछ चूज छुप जाता है, छूट जाता है, ऐसा ही कुछ मालूम होता है। मान लीजिए कि मैंने खाना खा लिया है, तो कहते हैं कि खाना खा लिया है वो, तो जैसे कोई खा के चला गया घर से और देखेंगे जूठन छिपा में लगा है, या रोटी जो है 10 था तो 5 हो गया, 4 हो गया, तो कहेंगे कि जो है वह खा लिया है, नहीं है। तो इस तरह जो कुछ ना कुछ जो है निशान उशान छुप जाता है, या इसका कोई लेखा ना हो तो ऐसे लगता है। हालांकि इसको हम पास्ट में बना लेंगे, लेकिन हमको जो है प्रभाव को दिखाने के लिए वर्तमान में हम जो है स्टेंस को दिखलाते हैं कि अभी अभी हुआ है। तो इस तरह जो है एक नया चीज ये भी है, जैसे सूरज निकल गया है तो द सन हैज राइजन, हैज हैव का प्रयोग हमने जो है बता दिया है। तो इस तरह जो है पास्ट में भी और काम करता है, और लेकिन हम बनाते हैं वाक्य को जो है वर्तमान में दिखाने के लिए, लेकिन काम संपन्न होता है पास्ट टाइम में। तो इस प्रकार जो है दोबारा जो मैंने खा लिया है, अब नहीं खाएंगे, नहीं तब मैंने खा लिया है, तो ऐसा कुछ जो है मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, तो ऐसा जो है अब जो है ऐसा ही चीज जो है कई तरह के हो सकते हैं उदाहरण। ठीक है दोस्तों, राम ने अपनी मोबाइल खो दी है, इसलिए वह दूसरों से काम चला रहा है, इसलिए वह उदास है, इसलिए वह डर रहा है, पिताजी पीटेंगे, गार्जियन पीटेंगे, ऐसा ही कुछ जो अनुभूति होती है। तो ये जो है हमारा जो है कुछ जो है रचना पहचान, कुछ इसमें के कुछ तथ्य है। लेकिन कल मैंने मोदी को देखा है, इस तरह का उदाहरण जो है इसमें भी आया है, लेकिन इसमें कल शब्द आ गया है। तो कल शब्द आया है यानी कि कल यानी बीत गया है, पास्ट टाइम। तो आई हैव सीन मोदी यस्टरडे नहीं होगा दोस्तों,
ये वाला जो वाक्य है तो ये वाला वाक्य नहीं होगा, ये हमारा सेंटेंस क्या है गलत है। तो ये वाला जो है दोस्तों हम बनाएंगे कैसे, तो ऐसे होगा पास्ट में बनाएंगे, जो कि पढ़े नहीं है तो पास्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म होता है। तो आई सा मोदी यस्टरडे, ये वाला वाक्य सही होगा दोस्तों। तो हमारा जो चीज है जानने समझने का, तो हम इसी से समझेंगे। तो ये वाला जो है वाक्य हमारा गलत है, ये वाला सही है। सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ सही है, ये वाला जो है इसके लिए इंडिकेट कर रहा है। योगी को मैंने देखा है या मैंने योगी को देखा है, तो आई हैव सीन योगी। रचना जो देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव लगता है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं उसी रचना पर जो है इसको जो है बनाया गया है, मैंने योगी को देखा है। तो इस तरह जो है और सारे उदाहरण हम ले रहे हैं दोस्तों। तो मैंने जो है कोई भी उदाहरण लेकर के हम बना सकते हैं। तो एक छोटा सा ले लेते हैं, चलिए एक छो बना दे रहा है, मैंने खाना खाया है या खाना खाया खाया है, मैंने खाना खाया है या मैंने खाना खा लिया है। देखिए लिया है, दिया है, आ है, ई है, ये भी आता है, जैसे कि बताए हैं मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। तो इसको हम जो है आई हैव ईटन फूड, देख रहे हैं दोस्तों। दूसरा हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन फूड, तो यहां पर जो है दोस्तों ईटन छूट गया है, ईटन फूड। और तीसरा हमारा हो जाएगा क्या, मैंने कहा था हैव हो जाएगा आगे, बताए हैं हैव जो है उठ के आ गया, तो हैव आई Not eaten food। इसमें से नॉट हट जाएगा तो क्या मैंने खाना खाया है, प्रश्न का चिन्ह दे देंगे। और ये वाला जो है क्वेश्चन वर्ड वाला बताए थे कि अगर आप हाउ है से कैसे भी जो है बना सकते हैं दोस्तों, हाउ लगा के हाउ हैव आई ईटन फूड, और नॉट वाला है तो नॉट वाला में यहाँ जो है आई के बाद नॉट लगाइए, या आपकी मर्जी जो है कैसे बनाना चाहते हैं, हैवंट लगाना है तो हैवंट लगा के बना सकते हैं, तो हाउ हैवंट भी एक साथ लिख सकते हैं, अना तो हाउ हैव भी लगा के बन जाएगा, हाउ आई हैव नॉट लगा के नॉट ईटन फूड। तो इस प्रकार दोस्तों जो है एक जो है वाक्य को लेकर के हमने जो है छः छः जो है हिंदी हो या अंग्रेजी हो सबको जो है हम बना सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में सीखेंगे कि हम जो है कुछ वर्ड ले लेंगे, वह हमेशा झूठ बोली है, तुमने कभी झूठ नहीं बोला है, अब तक तुमने क्या किया है, हाल ही में मैंने जो है गदर फिल्म देखी है, तुमने एक बार ऐसा बोला है, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम जो है कैसे बनाएंगे, वह तुरंत अभी झूठ बोला है। तो हम इस प्रकार के वाक्य को अगले वीडियो में सीखेंगे दोस्तों।
कई तरह के चीजों को जो है कभी कभी अभी तक इस समय तक हाल ही में दो बार जहां तक वर्तमान समय तक इस तरह की चीजों को अनेक बार पहले से ही हालांकि ये सब जो है वर्डों को भी सीखेंगे और साथ साथ दोस्तों हम सीखेंगे दोस्तों ये भी सीखेंगे दोस्तों कि हम कैसे बनाएंगे और ऑलवेज और नेवर और जो है ऑलरेडी यार पीस और ये दो चीज अलग अलग होता है तो अगले वीडियो में सीखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप जो है खुश रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए। वी कंटिन्यू। जय हिंद जय भारत दोस्तों।